असल कौम, आप देख रहे हैं मेरा यूरोप चैनल। एक और मैच आ गया है कराची किंग्स, और जो मुझे नज़र आ रहा है आई फील कि वो बिल्कुल ही टूर्नामेंट से बाहर आने वाले हैं। और मच नीड परफॉर्मेंस है उनके लिए, और उनको ऐसे फैसले करने हैं जो टीम के लिए अच्छा है और कॉम्बिनेशन अच्छा है। आई फील कि पूरे सीजन में जिस तरह उनका कम्बिनेशन था, कभी एक को बैठाया, कभी दूसरे को खिलाया, कभी शरीर को पाए बैठा दिया, और तेईब तारीख ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको अपॉर्चुनिटी दी, और मिड ऑर्डर फिर कलेप्स हो गया और आउट ऑफ फॉर्म आ गया। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि कराची किंग्स के लिए मच नीड और मेजर चेंजेस ही हैं जिसकी वजह से आई फील कि अच्छा कम्बिनेशन बन सके। मैच की बात करें तो 197 किया है पेशावर ज़ालमी ने, और आई फील के जिस तरह स्टार्ट किया था कराची किंग्स ने, 2/3 आउट कर लिए थे पेशावर ज़ालमी के, और मुझे तो ऐसा लगा कि 150 भी मुश्किल था। लेकिन आई फील के जिस तरह हसीबुल्ला ने बैटिंग की, उसके बाद कोला कोडमोर ने और पवन ने भी सब बैटिंग किया, आई फील के वो 2-3 ऐसी इनिंग्स थी जो एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है पेशावर ज़ालमी ने कराची किंग्स के लिए। और एट दी एंड जिस तरह पेशावर ज़ालमी ने बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मेजर चेंजेस किए थे, कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर पेशावर ज़ालमी एक्सपेक्ट करेगी अपने आप के लिए, क्योंकि लगातार बैक टू बैक मैचेस आ रहे थे और 3 विकेट्स लिए उमर तैन अफगानिस्तान के बॉलर हैं, उसके बाद अमिर जमाल ने 3 विकेट्स, उसके बाद मुजीब रहमान ने 2 विकेट लिए। आई फील के जो आज की ज़बरदस्त एफर्ट थी और बहुत कुशल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आप अभी आप बिल्कुल ही टूर्नामेंट से बॉटम ऑफ लाइन पे आ गए हो, और क्योंकि कराची, उसके बाद पेशावर ज़ालमी और कोटा ग्लैडिएटर्स बहुत ज़्यादा मैचेस आ रही हैं, और ये जितने मैचेस हैं आई फील के मच नीडेड मैचेस जीतने के लिए, और जिसके वजह टूर्नामेंट में स्टे अलाइव कर सकें। और पेशावर ज़ालमी आई फील के ज़बरदस्त कैप्टनसी थी बाबर आजम की, जिस वजह से एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो खेले, और ये मैच लाजमी जीतना था, क्योंकि एक और मैच आ जाते तो ये बिल्कुल ही जो सिचुएशन हो जाती वो कराची किंग्स वाली हो जाती। तो 24 रन से ये मैच पेशावर ज़ालमी जीत गए, और कराची किंग्स आई फील के बिल्कुल ही बैड लक पर है, और मिड ऑर्डर बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रहा है पूरे सीज़न में, और मोमेंटम नहीं मिल रही, और कम्बिनेशन नहीं चल रहा, कौन सा खिलाएँ कौन सा निकला है। 57 रन नवाज वसीम ने किए, मैथ्यू वेड ने 53, उसके बाद कोई प्लेयर नहीं चला, रशन रंग ने 15 किए, उसके बाद बैन कटिंग ने 15 किए, और एडियंट कराची किंग्स फेल टू चेस दिस टारगेट, और मोहम्मद आमिर ने 4 विकेट लिए हैं, उसके बाद शमसी ने 1। तो कराची किंग्स को मेजर चेंजेस की ज़रूरत है जिस वजह से यह टूर्नामेंट में आए हैं, और कैप्टनसी भी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट फील्डिंग ड्रॉप कैचेस, आई फील कि जो मोमेंटम मिली थी कराची किंग्स को उन्होंने कैरी नहीं की, और अच्छा स्टार्ट मिला था, पहले पावर प्ले में डोमिनेट किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही मैच हाथ से निकाल दिया, पूर बॉलिंग थी, और जिस वजह से एक पूरा टारगेट मिला कराची किंग्स के लिए। आई फील के इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है, लेकिन पेशावर ज़ालमी आई फील के अच्छी आज अच्छा मैच के लिए, और जिस वजह से ये मैच जीती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।